साथियों, तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में, उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। अब जैसे मर्चेंट नेवी का उदाहरण ले तो भारत समेत पूरी दुनिया को सेलर्स की बहुत जरूरत है। हमारी तो 7,500 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन है। बड़ी संख्या में हमारा यूथ समुद्र और तटीय परिस्थितियों से परिचित है। अगर इस क्षेत्र में स्किल को बढ़ाने पर काम किया जाए तो दुनिया भर को हम लाखों एक्सपोर्ट सेलर्स दे सकते हैं और अपने देश की कोस्टल इकोनॉमी को भी मजबूत कर सकते हैं। मैपिंग की वजह से अब इस तरह की जानकारियां देने का काम और आसान हो जाएगा। इसके अलावा 4-5 दिन पहले देश में श्रमिकों की स्किल मैपिंग का एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। ये पोर्टल स्किल्ड लोगों को स्किल्ड श्रमिकों की मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे एम्प्लॉयर्स एक क्लिक में ही स्किल मैन पावर तक पहुंच पाएंगे। खासकर जो श्रमिक हाल फिलहाल में शहरों से अपने गांव में गए हैं, उन्हें इससे बहुत मदद मिल पाएगी। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें, जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया। लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है। और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना, जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। स्किल, रीस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।